हेलो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का पैशन होता है, बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नई नई जगह घूमना उनको पसंद होता है। और कितना अच्छा हो अगर आपका यही जो इंटरेस्ट है, यही जो पसंद है आपकी, ये एक करियर में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपका पैशन ही आपका एक जॉब बन जाए, आपका इंटरेस्ट बन जाए या आपका करियर बन जाए, तो कितना अच्छा हो जाए आपके लिए। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में कैसे आप जा सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर ग्रेजुएशन। क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री आपके लिए, क्या करियर प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं आपके लिए, कितनी एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको ये ट्रैवल इंडस्ट्री में कोर्स करने के बाद, कितनी ड्यूरेशन का कोर्स होता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो बने रहिएगा, डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल रोहित जीज काउंसलिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म करियर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम से। मैं बता दूं आपको, मेरे इस चैनल में एजुकेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस ही अपलोड करता हूं। मेरा एक दूसरा चैनल है रूहांकित, उसमें मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मेंस ग्रूमिंग एंड मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं जानना पड़ेगा ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री होती क्या है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, और बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसमें भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसके भी कुछ कॉलेजेस होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, जैसे सपोज आपको घूमने जाना है कहीं पे भी, किसी भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, तो वहाँ पे कुछ जगह होती हैं जो नॉर्मल सब लोग घूमने जाते हैं, कुछ जगह होती हैं जो एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं, कुछ होती हैं जो स्पेशली लोगों को पता होती हैं, उसके लिए वो गाइड हायर करते हैं, काउंसलर हायर करते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग है, बहुत सारी वास्ट पोजीशंस होती हैं इस इंडस्ट्री में, जो लोगों को पता नहीं होता है कि ये पोजीशंस भी होती हैं, जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। क्योंकि बहुत लोगों का पैशन होता है कि घूमना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, तो अगर वो पैशन अगर आपका करियर बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी आपके लिए। तो अगर आपको घूमना पसंद है, नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, वीडियो ब्लॉगिंग बनाना पसंद है, फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, और नई नई चीज़ें सीखना और जानना पसंद है, तो ये ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री आपके लिए सूटेबल है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको ये कोर्स करना है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए। तो मैं आपको तीन कॉलेजेस के नाम बताता हूँ जो बेस्ट हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है वहाँ के करियर प्लेसमेंट्स के लिए। तो मैं सिलेक्टेड टॉप थ्री कॉलेजेस में आपको बताता हूँ। पहला इसमें है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भुवनेश्वर, दूसरा है इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म इंस्टीट्यूट दिल्ली, थर्ड जो इंस्टीट्यूट है वो है डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट कोटा। ये तीन कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल कोर्सेज। अब हम बात करते हैं क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है अगर आप ट्वेल्थ के बात करते हो, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हो, क्या कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स। तो हम पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपको बैचलर्स डिग्री करनी है ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो आप ट्वेल्थ पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम, विद एनी स्ट्रीम, मे बी कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट होने चाहिए। मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो आपके होने चाहिए 50-60% ऑफ मार्क्स इन ट्वेल्थ। अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप स्किल्ड होने चाहिए एक फॉरेन लैंग्वेज में। दूसरा ये, यू शुड बी पास्ड फ्रॉम एनी स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन, जिसमें आपके मार्क्स होने चाहिए 45% to 60% मार्क्स के बीच में, आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए।
अब हम जब जा रहे हैं टूर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को, आपने प्लान कर ही दिया है कि आपको उसमें करियर बनाना है, तो कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उस फील्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। पहला इसमें जो क्वालिटी स्किल्स जो रिक्वायर्ड होती है, वो होती एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी। आप बहुत एंथुजियास्टिक होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर। वाई फ्लेक्सिबिलिटी? क्योंकि इसमें टाइम लिमिट कुछ नहीं होती है। मे बी आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स करना पड़ सकता है, मे बी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन योर वर्किंग। फिर नेक्स्ट स्किल रिक्वायर होती है टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस। ये सारी स्किल्स कुछ स्किल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं। देखिए, कोर्सेज में आपके पास डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। तो मैं आपको बेसिकली डिग्री कोर्सेज की बता रहा हूँ कि क्या क्या कोर्सेज होते हैं, इसमें आप किस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप जा सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो करियर में आप क्या कर सकते, क्या कोर्सेज कर सकते हैं। कोर्सेज में आपका आ जाता है एयरफेयर एंड टिकटिंग का कोर्स होता है आपका, बैचलर्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन होता है आपका। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका बीबीए एंड इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट आ जाता है आपका। फोर्थ आता है आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए, वो आपका आता है हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन में। नेक्स्ट आता है आपका एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। फिर आप अनदर कोर्स है आपका एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि आप कर सकते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में। फिर आता है आपका पीजी डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों, अब हमने कोर्स के बाद कोर्स की डिस्कस कर लिया क्या क्या कोर्सेज होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके लिए, किस पोजीशंस में आप जा सकते हो एज अ करियर। तो इसमें आप यू कैन बिकम हॉलीडे एजेंट और ट्रैवल एजेंट, आप ट्रैवल काउंसलर बन सकते हैं, आप टूर ऑपरेटर बन सकते हैं, आप ट्रैवल गाइड बन सकते हैं, यू कैन बिकम ट्रैवल एग्जीक्यूटिव, you can become tourism manager, you can go for airlines or ground staff, you can become travel office coordinator। kuch ye designations kuch career opportunities hain aapke liye jahan pe aap ja sakte hain। ab hum baat karte hain क्या कंपनीज़ आती हैं, किन कंपनीज़ में आपका प्लेसमेंट लग सकता है अगर आप इन इंस्टीट्यूट से करते हो टूरिज्म एंड ट्रैवल के कोर्सेज। अब अगर हम कंपनीज़ की बात करें कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट लग सकता है, तो पहला तो आ जाता है आपका जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज़ हैं उनमें आपका प्लेसमेंट लग सकता है। फिर आ जाता है थॉमस कुक है, जैसे कुछ कंपनी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका इन्हीं प्लेसमेंट, इसके अलावा और भी कंपनीज़ हैं, मैं टॉप की कंपनीज़ बता रहा हूँ जस्ट फॉर एन आइडिया। कॉक्स एंड किंग्स हो गया, थॉमस कुक हो गया, आपका yatra.com हो गया, आपका मेक माई ट्रिप हो गया, एक्सपीडिया हो गया, ये कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप प्लेस हो सकते हैं, प्लेसमेंट लग सकता है। बाकी सारी एयरलाइंस की कंपनीज़ हैं, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स वाली कंपनीज हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, मेजर पार्ट है सैलरी। क्या आपको सैलरी कितनी मिलती है अगर आप इंस्टीट्यूट से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्सेज आप करते हैं, तो क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से। सिर देखिए, इनिशियली इट डिपेंड्स कि किस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हो, क्या नॉलेज और स्किल्स हैं आपके पास। तो इनिशियल लेवल पे हम कह सकते हैं आपको 20,000 to 30,000 के बीच में पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है, बट इट डिपेंड्स, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज एक्सपीरियंस एंड टैलेंट। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाओगे, जितना ज़्यादा ओपन रहोगे टूवर्ड्स लर्निंग, आपकी सैलरी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स आज के लिए, जो हमने जो मैंने आपके लिए बनाया था रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव मी थम्स अप, गिव मी फीडबैक हाउ यू लाइक दिस वीडियो इन माई कमेंट सेक्शन, शेयर करना मत भूलिएगा इस वीडियो को अपने फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट इन फ्यूचर आपको और वीडियोज़ ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम से। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।